हेलो माय फ्रेंड्स, कैसा काय, मैं हूं आपका रफ़ी सर। और आज के इस वीडियो लेक्चर से मैं हटा दूंगा आपके दिल से नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन को रटने का डर। डैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कि नाइट्रिक एसिड अगर डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और अगर कंसंट्रेटेड कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। इसकी दो कंडीशन होगी, एक डाइल्यूट कंडीशन है और एक कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट में फिर ये नॉन मेटल से करेगा तो क्या होगा, और मेटल से करेंगे तो क्या होगा। तो डाइल्यूट कंडीशन में ये नॉन मेटल से रिएक्शन ही नहीं करता है, तो यहाँ से टेंशन ही ख़त्म हो गया। डाइल्यूट कंडीशन में ये मेटल से रिएक्ट करते हैं। मेटल में भी दो कैटेगरी है, अगर वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हुए या हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव हुए वो मेटल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है HLR मतलब लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, एंड HMR मतलब मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव वाले को कैसे याद रखोगे, छापा वर्ड से। छापा का मतलब C से कॉपर, H से HG, A से AG, पी से PT, ए से AU, छापा वर्ड से इजीली याद रख सकते हैं। अगर छापा की मेटल है तो वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, बाकी को छोड़ करके सब हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो इन दोनों ही केसेज में डाइल्यूट कंडीशन में कैसे रिएक्शन होगी, तो मेटल नाइट्रेट दोनों में बनेंगे। मेटल नाइट्रेट दोनों में कॉमन प्रोडक्ट है, वाटर दोनों में कॉमन प्रोडक्ट है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा डाइल्यूट कंडीशन में, कि अगर लेस रिएक्टिव होंगे तो नो वर्ड से याद रखेंगे। लेस रिएक्टिव मतलब रिएक्ट नहीं करना चाह रहा है, तो नहीं का सेंस नो वर्ड से NO गैस मिलेगी, और यहाँ पे मोर रिएक्टिव मोर नाइट्रोजन N2O गैस मिलेगी। और दोनों के बारे में आपको मालूम है कि ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो डाइल्यूट कंडीशन में ये ट्रिक है। कंसंट्रेटेड में मेटल हो या नॉन मेटल हो दोनों ही रिएक्ट करेंगे, और कॉमन प्रोडक्ट इज N2O, दोनों में आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस आएंगी। कंसंट्रेटेड कंडीशन में ही रेडिश ब्राउन कलर की गैस आएगी, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। मेटल कोई भी हो, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव डजंट मैटर। कॉमन प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर की गैस, वाटर, ये कॉमन प्रोडक्ट है। डिफरेंट क्या है, मेटल के केस में मेटल नाइट्रेट बनाएंगे और नॉन मेटल के केस में उसका इक वाला एसिड, जैसे फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन हुआ तो क्लोरिक एसिड। तो आई होप ये ट्रिक आपको सही से समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो मैंने हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट लिया है और हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव वाला भी एलिमेंट लिया है। एक एलिमेंट हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव वाला लिया है और एक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव। तो ध्यान से देखो कि कॉपर की रिएक्शन हो या जिंक की, हर केस में आपको मेटल के नाइट्रेट मिलेंगे। डैट मीन्स कॉपर नाइट्रेट, मेटल के नाइट्रेट मिल गए। यहाँ भी कॉपर है तो कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पे जिंक है तो जिंक नाइट्रेट, मेटल की नाइट्रेट आपको मिलेंगी। ये एक कॉमन प्रोडक्ट था। नाउ हर केस में आपको वाटर मिलेंगे, तो वाटर भी हर केस में आपको बना देना है, वाटर भी मिलेंगे। ध्यान रहे मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस तो हम कर लेंगे, मेजर थिंग इसकी प्रोडक्ट क्या मिलेगा। नाउ यहाँ पे कॉपर विथ डाइल्यूट केस है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव नो, मना करेंगे तो नो गैस, NO गैस। यहाँ पे कॉपर कंसंट्रेटेड के साथ है तो फिक्स ही है, ब्राउन कलर की गैस NO2। अगेन जिंक डाइल्यूट के साथ है, मोर रिएक्टिव मोर नाइट्रोजन N2O। अगेन कॉन्क है तो उसमें तो फिक्स ही है NO2 रेडिश ब्राउन कलर गैस। तो आप देख सकते हो कि मेटल नाइट्रेट वाटर कॉमन प्रोडक्ट है, ओनली डाइल्यूट कंडीशन में लेस रिएक्टिव होगा तो नो, और मोर रिएक्टिव होगा तो N2O, और कंसंट्रेटेड में तो फिक्स ही है दोनों में NO2। नाउ नॉन मेटल की रिएक्शन कैसे होगी, तो नॉन मेटल यू नो ओनली एक ही कंडीशन में करेगा, कंसंट्रेटेड कंडीशन में। तो नॉन मेटल की रिएक्शन कॉन्क HNO3 से करेंगे, तो इसका इक वाला एसिड डेट मीन्स H3PO4 बना लेना आपको, फॉस्फोरिक एसिड प्लस रेडिश ब्राउन कलर की गैस डेट इज NO2 प्लस वाटर आपको बनाना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो सल्फर का H2SO4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इक वाला सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O। तो आप ध्यान से देख सकते हो, आयोडीन का कराऊंगा तो इसका इक वाला HIO3
प्लस NO2 प्लस H2O। नाउ यू कैन सी कि नॉन मेटल की रिएक्शन अगर कॉन्क HNO3 से कराएंगे तो सब में आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिलेगी और सब में वाटर। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि उसका एक वाला एसिड बनाना है। नाउ इस रिएक्शन को बैलेंस भी कैसे करना, उसके लिए भी रफी सर के पास ट्रिक है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे फॉस्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे ये किस में आ गया, फाइव में। तो चेंज कितने का हो गया, जीरो से फाइव में फाइव का चेंज हो गया। और यहाँ पे एटम कितने, फोर, तो फाइव इंटू फोर 20। तो आपको क्या करना पड़ेगा, HNO3 का भी कॉफिशियंट लेना पड़ेगा 20 और इधर नाइट्रोजन का भी कॉफिशियंट आपको करना पड़ेगा 20। नाउ फॉस्फोरस चार है तो यहाँ पे आप कर दो फोर। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 20, इधर हैं 12, तो हमें 8 और चाहिए तो यहाँ पे आप कर दो 4। एक बार और समझो, अगर नहीं समझ में आया तो इसमें अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे सल्फर है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे 6 में, तो चेंज कितने का हो गया, 6 का। आपके पास एटम कितने, 8, तो 6 इंटू 8 48, तो HNO3 का कोफिशियंट कितना हो जाएगा, 48। जितना यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे भी क्या कर दोगे उतना ही, तो 48। नाउ सल्फर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे सल्फर कितने हो जाने चाहिए, 8 यहाँ पे कर देंगे, ये वाला यहाँ पे कर देंगे। नाउ 48 हाइड्रोजन है हमारे पास, इधर 16 हो गए हैं तो इधर 16 to the 32, तो इधर आ जाएगा आपका 16। एक बार और अप्लाई करके बताता हूँ जिसको नहीं समझ में आया, कि यहाँ पे आयोडीन जीरो में है, यहाँ पे आयोडीन आपका फाइव में है, तो जीरो से फाइव में गया तो चेंज हो गया फाइव का, और यहाँ पे नंबर कितने है, दो, तो 5 to the 10, तो इसलिए यहाँ पे HNO3 के आगे यहाँ पे कितना लगेगा, 10, और यहाँ पे आप कितना लगा दोगे, 10। नाउ आयोडीन यहाँ पे दो हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2। अब हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 10, इधर 2 हो चुके हैं तो इधर कितना करना पड़ेगा, 4। तो आप ध्यान से देखो कि नॉन मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कंसंट्रेटेड कंडीशन में कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, उस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे उसके लिए भी मैंने ट्रिक दिया है, और सब में आपको रेडिश, डैट मीन्स कंसंट्रेटेड कंडीशन में चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, रेडिश ब्राउन कलर की गैस और वाटर फिक्स है। सिर्फ नॉन मेटल होगा तो उसका इक्वल एसिड, मेटल होगा तो मेटल नाइट्रेट, और डाइल्यूट कंडीशन में तो नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करेंगे। मेटल अगर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो नो गैस, और मोर रिएक्टिव है तो N2O गैस बनेंगी। नाउ अब जाते जाते एक ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में ये है कि जिस तरीके से आपने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराया वैसे ही अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड से कराऊँ तो वहाँ पर नाइट्रिक एसिड में मेटल के नाइट्रेट मिल रहे थे, यहाँ पर आपको मेटल के सल्फेट मिलेंगे, वाटर अगेन कॉमन रहेगा, वहाँ पे NO2 मिल रहा था, यहाँ पे SO2 मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कॉपर की रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से कराऊँ तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर का सल्फेट बना देना है और वाटर तो आपको मिलेंगे ही, और प्लस यहाँ पे NO2 की जगह सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे ही अगर मैं जिंक की रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से कराऊँ तो आपको जिंक के सल्फेट प्लस H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो ये ज्ञान की बात नंबर वन हो गया, और ज्ञान की बात नंबर टू जो है वो अगेन इम्पोर्टेंट है कि लाइक एल्युमिनियम, आयरन, ये सब कुछ ऐसे मेटल हैं जिन पे ऑक्साइड लेयर बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि ये इसको जैसे ही आप ऑक्सीजन में छोड़ दोगे तो इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर हो जाएंगी, तो ऑक्साइड की लेयर होने की वजह से ये पैसिव हो जाते हैं, डैट मीन्स जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से जल्दी फिर ये रिएक्ट नहीं करते। तो आई होप आपको मेरा ये नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन वाला ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।